हे गाइस, दिस इज मोहित मार कश्यप और आप सभी देख रहे हैं गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और गाइस, यहां पर मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं वो नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। नॉर्मलाइजेशन क्या है, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन आरआरबी में यानी कि रेलवे के एग्जाम में कैसे काम करता है, क्या इससे कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ता है, तो इन सभी क्वेश्चंस पर मैं आज डिस्कस करूंगा। मैंने हालांकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक वीडियो और बनाई थी, लेकिन उसमें एक रफली आइडिया आपको बताया था, ठीक है? तो उसमें कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि जो जिनका स्कोर ज्यादा होता है उनका स्कोर कम नहीं होता, ठीक है? तो यहां पर इन सारे पॉइंट्स पर मैं आज इस वीडियो के जरिए डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और ये क्यों अप्लाई किया जाता है। देखिए, आज की डेट में ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन की बात करें या ऑफलाइन भी हो रहा है, तो एक डेट में एग्जाम को कंडक्ट कराना किसी भी डिपार्टमेंट के लिए एक आसान काम नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। आसान की तो बात छोड़िए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है? और इतने लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जब बच्चे अप्लाई करते हैं, तो उस स्थिति में एग्जाम अलग अलग डेट में होता है, अलग अलग डेट में होता है, तो एग्जाम का जो लेवल होता है वो भी थोड़ा सा डिफर हो जाता है। कहीं पर क्वेश्चन थोड़े से इजी पूछ ले जाते हैं किसी पेपर में, और किसी में थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा है मैक्सिमम, ज्यादातर सभी एग्जाम में अब ये देखने को मिल रहा है। अब ये नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, देखिए, नॉर्मलाइजेशन का हालांकि आरआरबी ने अपनी तरफ से एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला इजाद किया हुआ है, तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो वहां पर काम करते हैं। यहां पर मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूं कि नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि जो टॉप स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप स्कोरर होते हैं, तो टॉप स्कोरर होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज स्कोर करते हैं, ठीक है? तो टॉप स्कोर के हिसाब से, ठीक है, टॉप स्कोर के हिसाब से हर शिफ्ट के बच्चों का एक टॉप स्कोर निकाला जाता है, उसके कुछ कैंडिडेट निकाले जाते हैं और उनके हिसाब से इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि जब टॉप स्कोरर के स्कोर से जब नॉर्मलाइजेशन को किया जाता है, तो इसमें कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जिन बच्चों के स्कोर कम होते हैं, उनके स्कोर हमेशा बढ़ते ही हैं, या फिर कभी नहीं भी बढ़ते हैं, या कभी कम भी होते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम चांस क्या होता है कि यहां पर स्कोर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है? मैक्सिमम चांस में यहां पर स्कोर बढ़ता है, और रेयरली यहां पर क्या होता है, स्कोर कम भी होता है। कम स्कोर होता क्या, देखिए, मैंने उस वीडियो में भी यहां पर बताया था, कुछ बच्चे विवाद पर भी उतर आए थे कि नॉर्मलाइजेशन में कभी भी स्कोर कम नहीं होता। देखिए, स्कोर कम होता है, और वो स्कोर जो कम होता है वो होता है आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर, ठीक है? रॉ मार्क्स की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, रॉ मार्क्स वो होता है जो आपने 100 में से आपको पेपर सॉल्व करने के बाद मिले हैं, जो आपका प्राप्त अंक है, ठीक है? लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पर पेपर आपका इजी रहता है, ठीक है? इजी रहने की वजह से, और वहां पर कोई बच्चा आपका उस ग्रुप में यानी कि या उस शिफ्ट में कह लीजिए, उस शिफ्ट में अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाए हैं, जो एक उनका एक क्राइटेरिया है जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, उस कंडीशन में स्कोर नीचे की तरफ भी डिक्रीज होता है। लेकिन ये रेयरली ही काम करता है, ऐसा बामुश्किल ही कुछ केसों में देखने को मिलता है, लेकिन डिक्रीज होने की संभावना होती है, ऐसा नहीं है कि डिक्रीज नहीं होता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं केवल नॉर्मलाइजेशन स्कोर की, रॉ मार्क्स आपका जितना आपको मिला है वो उतना ही रहेगा, वो डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है? अब कट ऑफ पे सीधा सी बात है कि यहां पर कट ऑफ पर इफेक्ट उसका पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? तो जब मान लीजिए आपका रॉ स्कोर, मान लीजिए आपने 40 रॉ स्कोर है, ठीक है, तो अगर आपकी जो ग्रुप है या आप जिस शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं, जिस डे में आप पेपर दे रहे हैं, उसके हिसाब से अगर टॉपर्स के स्कोर, जो भी वो कैलकुलेशन होती है उनकी, ठीक है, उस टॉपर्स के अकॉर्डिंग वहां पर स्कोर हाई स्कोर किया हुआ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर उतना ही जंप भी करता है। मान लीजिए वहां पर अगर जो कैलकुलेशन बनकर आ रही है वो 10 नंबर आपके इंक्रीज कराती है, तो 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, 15 नंबर इंक्रीज होते हैं, तो वहां पर 15 नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म वहां पर नहीं हो पा रहा है उस आसान पेपर में, तो वहां पर आपका स्कोर इक्वल भी रह सकता है, या फिर माइनर सा 1-2 नंबर वहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये जो मैं जितनी भी जानकारी दे रहा हूं बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक जानकारी है, यहां पर कोई भी मैं ऐसी आपको चीजें नहीं बताकर चल रहा जो कि फेक हो और जो अप्लाई ना होती हो,
ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि नेगेटिव मार्क्स का यहां पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। देखिए नेगेटिव मार्क्स का थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता ही है, डेफिनेटली पड़ता है। अगर आपने स्कोर ज्यादा किया है, क्वेश्चन ज्यादा किए हैं, ज्यादा अटेम्प्ट किए, लेकिन ज्यादा अटेम्प्ट करने के बाद आपने मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से 100 के 100 अटेम्प्ट कर दिए, जबकि 60 क्वेश्चन आपने सही किए, 40 गलत किए, ठीक है। अब 1/3 के हिसाब से वहां पर आपका स्कोर डिक्रीज होगा और उससे सीधा सीधा नॉर्मलाइजेशन पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। जो मैंने वहां पर स्कोर डिक्रीज करने की बात कही थी इस वीडियो के अंदर, वो यही की थी, क्योंकि पेपर अगर आसान है, आसान पेपर में स्कोर हाई है, और वहां पर जो टॉपर्स का स्कोर अगर हाई नहीं हो पाएगा, जो 0.1% के आसपास वो कैलकुलेशन होती है उनकी, ठीक है, उतने टॉपर्स के स्कोर लेते हैं, टॉप स्कोर स्टूडेंट को लेते हैं, अगर वो कम होता है तो उस कंडीशन में स्कोर नीचे की तरफ जाता है। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में एक भ्रांति बनी हुई है, एक डाउट बना हुआ है कि, और उनको ये बहकाया भी जा रहा है कि हमेशा नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ता है और अच्छा खासा बढ़ता है, ऐसा नहीं है। देखिए अगर हर बच्चे का स्कोर बढ़ेगा, हर शिफ्ट का स्कोर बढ़ेगा, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का इशू ही क्यों है, नॉर्मलाइजेशन क्यों अप्लाई किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन इसीलिए तो किया जा रहा है कि सभी बच्चों को इक्वल रखा जाए, सभी शिफ्ट के पेपर को इक्वल मान लिया जाए, सभी स्टूडेंट को इक्वल एक पायदान पर लाकर खड़ा किया जाए, इसीलिए तो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो गाइस यही एक अहम जानकारी थी जो आपको इस वीडियो के जरिए प्रोवाइड करानी थी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, नॉर्मलाइजेशन से फर्क पड़ेगा तो वो सब पर ही फर्क पड़ता है, उससे कोई पर्टिकुलर एक बंदा उसे ना तो फायदा होगा ना ही नुकसान होगा, ठीक है। पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही आपका जो कट ऑफ है वो प्रिपेयर होता है, आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो मिलते रहेंगे आपसे, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।